गुलाम मीर साहब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ने रख जाएगा उसके लिए, और उसके बाद प्रेस के लिए आप जगह छोड़ देंगे। आप नीचे, मैं सबको बता दूं कि अपने अपने स्थान पे खड़े होके जो लोग कल पे जिनकी आज जो है थंबिंग मेजोरिटी से 2007 में चुनाव से ठीक 4 महीने पहले अक्षरधाम कांड होता है और मोदी बड़ी मेजोरिटी से चुने जाते हैं। 2012 में हारने वाले मोदी लगता है कि अब हारने की कगार पर हैं, तो वहां पर एनकाउंटर का एक सिलसिला होता है और लोगों में भय पैदा किया जाता है। इसको बुश थियरी कहते हैं। बुश ने जिस प्रकार से दुनिया को डराकर अपनी सत्ता को कायम किया था, हिटलर ने भी वही किया था कि डराओ और राज करो। नरेंद्र मोदी भी वही करते हैं। 2014 में मैं मानता हूं कि देश भर में जो अलग अलग आंदोलन चले उसके तहत कांग्रेस की सरकार जो 10 साल थी, यूपीए की सरकार थी, उसकी जगह पे सत्ता का परिवर्तन हुआ। पर 2019 का अब जम्मू कश्मीर वासियों को भले भांति पता है कि हम तो कभी कभी सोचते भी हैं कि जहां पर एक पंछी भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, वो पुलवामा कांड कैसे हुआ। तो ये नरेंद्र मोदी, अब देखिए, अब 2024 में नरेंद्र भाई फिर से लगता है सत्ता से अब बाहर हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है, उत्तराखंड वो हार रहे हैं, हिमाचल में अभी चुनाव हुआ। पिछले जो चुनाव हुए 27 विधानसभा सीटों का चुनाव देश भर में हुआ, उन 27 में से 5 तो आसाम की थी, छोटी वाली सीटें, बाकी 22 जो मेनलैंड की जिसको कहते हैं वो थी। उन मेनलैंड की 22 में से सिर्फ 2 सीटें भाजपा सरकार जीती है और 20 सीटों पर में से 8 सीट कांग्रेस और बाकी कहीं अलग अलग पार्टियां जीती है। तो ये हार रहे हैं। कर्नाटक का अभी जो चुनाव हुआ स्थानीय, आप देखें हर जगह पे कांग्रेस का तिरंगा वहां पर लहराया है, लहराया है, और भाजपा का दोरंगा हर जगह पे वहां पर हारा है। इंट्रोडक्शन दिया, आज तो हमारे लालजी देसाई साहब आपके साथ सब्जेक्ट पर डिटेल बात करेंगे, मगर मैं जाती तौर और पूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से माता वैष्णो देवी जी के यहाँ स्टैम्पेड जो लोगों का भीड़ धक्का मुक्का और जिसकी वजह से कोई 10 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग के आसपास जो सीरियसली जख्मी हैं, उसके लिए हम अफसोस इजहार करते हैं, कंडोल करते हैं, और उन मृत्यु हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। जहाँ एक तरफ ये बहुत ही दुखद बात है और ऐसे स्थल पर शायद ये इतना बड़ा सानिध्य है, हम रिसेंट पास में पहली बार सुन रहे हैं। एक तरफ तो कोविड के बाद में थोड़ा सा लोगों का आना जाना जम्मू कश्मीर की ओर, चाहे वो टूरिज्म को लेकर या यात्राओं को लेकर, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मगर दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे वेव थर्ड को लेकर जो इस वक्त पूरा आलम, पूरा हिंदुस्तान उस पर परेशान है, और उसको देखते हुए जितने एहतियात बरतने चाहिए, जहाँ एक तरफ रोज़ ऑर्डर्स निकलते हैं शादियों के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक गैदरिंग्स के लिए रोज़ ऑर्डर निकल रहे हैं कि इतने लोग होने चाहिए, उतने लोग होने चाहिए, तो इस सिचुएशन को इस स्थल पर, इसमें देश दुनिया के लोगों की मानता है, आस्था है, ऐसे में हम समझते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट और सरकारों को इस तरह की आमद पर नज़र रखनी चाहिए, जितनी स्पेस है, जितनी गुंजाइश है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैशनल तरीके से चलाने का एक डायरेक्शन होना चाहिए था, इसीलिए वहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये रूलिंग पार्टी हो उसमें या उनके अलायंस हो, मगर जो रोज़ ऐलानात करते हैं, तो ऐसे में इस तरह के धार्मिक स्थल पर भी नज़र उनकी होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि इस तरह का सानिध्य ना हो। मैं
चाहूँगा जरूर कि उसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हुआ कैसे, आखिरकार इंसानों की मृत्यु हुई और जो भी जख्मी है। और दूसरी बात, ये हाई रिटर्नेबल स्थल है पूरे हिंदुस्तान में। मैंने अभी ट्वीट में देखा एक नॉमिनल कंपनसेशन की सरकार ने बात रखी है। हम समझते हैं कि इन जो जिनकी जान चली गई मिसमैनेजमेंट की वजह से, और कम से कम उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो जख्मी है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन परिवारों को भी जिस सोच के साथ वो वहाँ पर आए थे, जिस आस्था के साथ आए थे, कम से कम विजिबली लगे कि उस संस्था ने, उस बोर्ड ने उनके इस सानहे को सीरियसली लिया और उनकी जो उनके जो परिवार हैं उनके साथ में एक अच्छा सलूक किया। ये मेरी डिमांड रहेगी, इन्वेस्टिगेशन भी हो और कंपनसेशन जो मैंने कहा ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड रहेगी उस मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जो इस वक्त उसको अपने हिसाब से देख रहे हैं।